क्या ब्लैक विडो हमें मार्वल के फ्यूचर के अंदर दिखाई देगी? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल महिवश पर। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें मार्वल के फ्यूचर के अंदर ब्लैक विडो दिखाई देगी। मेरे मन में ये सवाल शी हल्क एपिसोड 9 देखने के बाद हुआ, जहाँ हम मार्वल के पोस्टर में ब्लैक विडो को देख सकते हैं। जब जेनिफर यानी कि शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करती है, उसके बाद हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हम ब्लैक विडो, थोर, ब्लैक पैंथर, वांडा और भी करेक्टर को देख सकते हैं। लेकिन उनमें से केवल एक ब्लैक विडो ही है जो कि फ़िलहाल के टाइम मार्वल के लिए यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मर चुकी है। इसके अलावा बाकी के जो सभी करेक्टर इस पोस्टर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वो मार्वल के आने वाले फेजेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें ब्लैक विडो आने वाले मार्वल के फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकती है। पहली थ्योरी ये है कि जब हल्क ने चुटकी बजाई तो उसके कारण ब्लैक विडो जिंदा हो गई, और उसके बाद जब कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन वापस रखने गया तब वो कैप्टन अमेरिका के साथ वापस अर्थ पर आई। लेकिन वो और सभी झगड़ों और इन सब से तंग आ चुकी थी, इस कारण से वो कहीं अकेले में रहने लगी। पहली थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी ये है कि अब मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं, तो हो सकता है किसी फिल्म के अंदर हमें जब मल्टीवर्स की सैर कराई जाए तब वहाँ पर हमें ब्लैक विडो देखने को मिल जाए। ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी ब्लैक विडो के वापस आने की हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है, जिस प्रकार से हमने व्हाट इफ में देखा था कि वॉचर किसी दूसरी रियलिटी की ब्लैक विडो को एक दूसरी रियलिटी में भेज देता है, हो सकता है उसी प्रकार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी हमें किसी और मल्टीवर्स की ब्लैक विडो हमारे इस सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि अर्थ 616 में देखने को मिल जाए। ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या हमें आने वाले मार्वल के फ्यूचर के अंदर ब्लैक विडो देखने को मिलेगी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।